अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने सेट्स की कुछ टाइप्स पढ़ी थी और 1.2 सॉल्व की थी, अब हम सेट्स की कुछ मज़ीद और टाइप्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है आपके पास सबसेट। सबसेट भी सेट की एक टाइप है। तो सबसेट क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ द सेट बी। ए सेट को बी का सबसेट कब कहा जाएगा, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर द एलिमेंट्स ऑफ बी। कि ए सेट में मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स सब तमाम एलिमेंट्स बी सेट में भी मौजूद होने चाहिए। इट इज़ सिम्बॉलिकली रिटन एज ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ए और बी के दरमियान में जो साइन है ये सबसेट का साइन है। नल सेट, आपको पता है नल सेट कौन सा होता है, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। नल सेट इज़ द सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। नल सेट जो है वो क्या है, तमाम सेट्स का सबसेट है। इफ़ ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी देन वी राइट ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी। जो सबसेट वाला साइन है उसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, अगर ए के एलिमेंट्स 1, 2, 3 हैं और बी के एलिमेंट्स 1, 2, 3 हैं, तो अब डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। डेफिनेशन क्या थी कि अगर ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हों तो ए बी का सबसेट होगा। तो इस एग्जांपल में ए बी का सबसेट है, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ओके, नेक्स्ट है आपके पास डेफिनेशन प्रॉपर सबसेट। इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, अगर ए के तमाम एलिमेंट्स बी में हों, मतलब क्या है, ए बी का सबसेट हो, बट देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी विच इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। लेकिन बी का एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ए का एलिमेंट ना हो, देन ए इज़ कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। फिर हम ए को क्या कहेंगे कि ये बी का प्रॉपर सबसेट है। सिम्बॉलिकली इट इज़ रिटन एज ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1, 2 एंड बी इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, 4। अब देखें ए के जो एलिमेंट्स हैं वो बी में मौजूद हैं, लेकिन बी में दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ए में मौजूद नहीं हैं। इसका मतलब है कि ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट है। नेक्स्ट है आपके पास इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या है, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी का क्या मतलब है कि ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं एंड ए इज़ इक्वल टू बी और ए और बी आपस में इक्वल हैं, देन ए इज़ कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो तब ए को क्या कहेंगे कि ये बी का इम्प्रॉपर सबसेट है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए बी, ए के ए सेट में कौन से एलिमेंट्स हैं, ए बी, और बी सेट में कौन से एलिमेंट्स हैं, ए बी, देन ए इज़ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो ए जो है वो बी का इम्प्रॉपर सबसेट है। अब हम एक एग्जांपल की तरफ जाते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है, फाइंड ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सी। हमने सी सेट का, सी सेट जो है उसके तमाम पॉसिबल सबसेट्स बनाने हैं। वेयर सी इज़ इक्वल टू, और सी सेट किसके इक्वल है, 5, 7 के इक्वल है। अब हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या होती है कि वो सबसेट वो होता है कि एक सेट के एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद हों। तो अब हम देख सकते हैं कि इस सी सेट से हम कितने सबसेट बना सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जो नल सेट है वो तमाम सेट्स का सबसेट है। तो इधर पहला सबसेट कौन सा आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट अगर मैं इसमें से लेती हूँ 5 जो कि सिंगलटन सेट है, तो 5 इसका सबसेट है क्योंकि 5 जो है वो इसमें मौजूद है। तो यस, 5 इज़ अ सबसेट ऑफ 5, 7। इसी तरह 7 है, 7 जो है वो इसका सबसेट है, यस, सो 7 इज़ अ सबसेट ऑफ 5, 7। अब नेक्स्ट जो है आपके पास, हम 5, 7 भी ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास डेफिनेशन यही है कि ऐसा सेट जिसके तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद हों वो आपके पास सबसेट होता है। सो 5, 7 इज़ अ सबसेट ऑफ सेट सी, दैट इज़ 5, 7। अब ऐसा अगर कोई सेट है, अब हम इधर अगर मैं सबसेट्स में लिख दूँ, सेट सबसेट का एलिमेंट में मैं लिख दूँ 8,
तो 8 जो है इसका सबसेट नहीं होगा, क्योंकि जो 8 है वो इस सेट सी में मौजूद नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल आपने रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 ये सारे जो हैं अकॉर्डिंग टू सबसेट की डेफिनेशन आपने सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 भी आपका होमवर्क है और क्वेश्चन नंबर 7 जो है फाइंड द कार्डिनैलिटी, यू नो द डेफिनेशन ऑफ कार्डिनैलिटी, कार्डिनैलिटी क्या होती है उसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना है। थैंक यू।